नमस्कार, मैं हूं शबरपाल। चलिए आज बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल वड़े। ये वड़े बिल्कुल अलग हटके बनते हैं। परफू वड़े यानी कि दाल के वड़े, तूर दाल के वड़े, ठीक है। और बनाने का तरीका ये है कि आप पहले तूर दाल लेंगे, उसको करीब 2 घंटे तक भिगोएंगे, सॉफ्ट हो जाएगी। फिर क्या करना है, और एक बोल लेना है और एक छन्नी लेनी है, ठीक है जी। ये दाल छाननी है, बिना पानी के आप ना पीसना है, ठीक है, क्योंकि पानी डाल दिया ना तो दिक्कत में आ जाएंगे। आप ये लीजिए, थोड़ी सी दाल छोड़ देंगे। अब इसको पीस लेते, दाल को आपने ये जो ब्लेंडर का जार है खोल के आपने एकदम एक जगह लाना है और थोड़ा पेस्टी सा बनाना है। ये लीजिए, शुरू में जब आप पीसेंगे ये दाल तो आपको लगेगा अरे ये तो बाइंडिंग नहीं आएगी इसमें, लेकिन थोड़ी और पीसेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो बाइंडिंग के लिए आपको इस कंसिस्टेंसी तक पीसना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले और कुछ और चीजें। तो एक छोटा सा प्याज ले लें, चॉप करके डाल दें। 1/4 कप कैबेज ले लें, ठीक है जी, वो डाल लें। थोड़ा जीरा ले लें 1 छोटा चम्मच। करी पत्ता 10-15 पत्ते लीजिएगा, इस तरह से टेयर करके डाल लें। हरी मिर्चें 3-4 हरी मिर्चें चॉप करके डालें। अदरक 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें 1/2 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। धनिया डालिएगा 2 बड़े चम्मच, बढ़िया लगता है, मज़ेदार होता है। और नारियल डालिए फ्रेश, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, 2-3 बड़े चम्मच। मैं थोड़ी रेड चिल्ली डालूंगा, रेड चिल्ली होल, छोटे छोटे पीसेस काट के डाल लें। अब इसमें नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक चमक करिएगा, टनक 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 टनक, आहा क्या बात है। ये लीजिए, स्वाद सेहत ये सभी के अनुसार डालिए, मिक्स करिए। अब ये जो दाल बची है ये मैं डाल लेता हूं, होल दाल जो है ये डाल लेते हैं। अब जब आप ऐसे मैश करते हैं ना तो क्या होता है, प्याज कैबेज में से भी पानी छूटता है जो बाइंडिंग में मदद करता है। ये लीजिए तैयार, हम तैयार वड़े बनाने के लिए। बोल में पानी ले लेते हैं, तेल हमने गरम करने रखा है, हाथों में पानी लगाइएगा और चेक करिएगा। एक्चुअली ये वड़ा जो है ना, चेक करिएगा, इस तरह से प्रेस करिए और इस तरह से देखिए हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इस तरह से बढ़िया बाइंडिंग हो रहा है तो मतलब आपने सही काम किया, और मैंने तो सही काम कर दिया आपके लिए। अब तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। आइए, रेडी स्टडी गो, यस आई एम रेडी। और एक बना के डाल देते हैं इसमें। ये लीजिए, चेक कर लेते हैं, बढ़िया, सुपर, क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। फ्राई होने देते हैं आराम से, जब क्रिस्प हो जाएंगे निकाल लेंगे और यहां पे सुंदर से बड़े फ्राई करेंगे, बढ़िया। तो ये लीजिए हमारे परफू वड़े, बहुत बढ़िया फ्राई हो गए, ये मजेदार कितने दिखिए। अब इसके ट्रिक और लास्ट वाली चीज जो इंपॉर्टेंट आपको जाननी जरूरी है वो ये है कि जब शुरू में आप डालते हैं फ्राई करने के लिए तो वो नीचे बैठे रहते हैं, क्वाइट डेंस, और जब फूलने लगते हैं तो मतलब हल्के होने लगते हैं तब ऊपर आ जाते हैं, तेल के ऊपर तैरते हैं और यू विल सी फूल भी जाते हैं। अब इसमें यह है कि अगर आपको क्रिस्प रखने हैं तो
हाफ फ्राई जैसे ही ऊपर आते हैं थोड़ी देर बाद निकालेंगे, प्रेस करेंगे दो टिश्यू पेपर या किचन टावल के बीच में, तेल गरम करेंगे, वापस डालेंगे। अगर आपको अंदर से सॉफ्ट चाहिए जैसे अभी हैं, तो आपने ऐसे टाइम पे निकाल लेना है। और दे आर लुकिंग वेरी गुड नाउ, दे आर रेडी। हम इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए कैसे बढ़िया फूले हुए हैं, अंदर तक पके होने चाहिए तभी मजा आएगा। परोसने के लिए मैंने सिंपल केचप लिया है, ठीक है ना, बिकॉज ये वड़े तभी बनते हैं व्हेन समबडी कैचेस अप विथ यू एट होम, है ना। बड़ा सिली जोक दैट वाज। ये लीजिए वड़े तैयार हो गए। आई लव ऑल माई सिली, सिंपली सिली जोक्स, ओके। और ये मेरे लिए तैयार हो गया। अब ये चीज़ें ऐसी ऐसी बन रही, ओह क्या गर्म है, ओहो बहुत गर्म, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्प, दैट्स व्हाट आई वांट। भरपूर वड़ा ही बनाइए और मजे लीजिए। प्रीटी सिंपल टू मेक, राइट, बनाएंगे ना।